अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शव्वाल के 6 रोज़ों के मुस्तहिब होने का बयान हम एक हदीस मुस्लिम शरीफ से लेते हैं। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे उसके बाद शव्वाल के 6 नफली रोज़े रखे तो ये पूरे ज़माने के रोज़े रखने की मानिंद है। बहुत खूबसूरत हदीस है शव्वाल के रोज़ों के हवाले से, और यह हदीस हमें मुस्लिम शरीफ से मिलती है। यानी एक नेकी का अजर कम अज़ कम 10 गुना है के मुताबिक एक महीने रमज़ान के रोज़े 10 महीनों के बराबर हैं, और इसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े भी रख लिए जाएं जिन्हें शश ईदी रोज़े कहा जाता है। शश यानी आधा साल, तो ये 2 महीनों के बराबर हो गए। यूं गोया पूरे साल के रोज़ों के अजर का मुस्तहिक हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में इसने पूरे साल के रोज़े रखे और उसका ये मुस्तकिल मामूल हो जाए तो वो ऐसे हैं जैसे उसने पूरी ज़िंदगी रोज़ों के साथ गुजारी। वो अल्लाह के पास हमेशा रोज़ा रखने वाला शुमार होगा। इस एतबार से ये शश ईदी रोज़े बड़ी अहमियत रखते हैं, गो इनकी अहसियत नफली रोज़ों ही की है। ये 6 रोज़े मुतवातिर रख लिए जाएं या नागा करके, दोनों तरह जायज़ हैं। ताहम शव्वाल के महीने में रखने ज़रूरी हैं। इसी तरह जिनके रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े बीमारी या सफ़र या किसी और वजह से रह गए हों, उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो फ़र्ज़ी रोज़ों की कज़ा दें और इसके बाद शव्वाल के 6 नफली रोज़े रखें। बहुत प्यारी खूबसूरत हदीस और उसका बयान। इसी तरह हमारे माशरे में एक बात बहुत राइज है, बहुत ज़्यादा इस पर अमल भी किया जाता है कि ईद उल फितर के 2रे दिन से शव्वाल के रोज़े नहीं रखने चाहिए। हालांकि ये बात हमें कहीं नहीं मिलती। ईद उल फितर एक ही रोज़ होता है ईद का, जिसे हराम कहा गया है, यानी इस रोज़ रोज़ा रखने से मना किया गया है। ईद के 2रे ही रोज़ से यानी शव्वाल के 2रे दिन ही से हम रोज़ा रख सकते हैं। शव्वाल के 6 रोज़े रखे जा सकते हैं, चाहे मुतवातिर रखें चाहे पूरे महीने में किसी भी दिन रखें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।